फाइव सीक्रेट्स ऑफ कोल्ड कॉलिंग। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये डिस्कवर करेंगे कि ऐसी कौन सी पांच चीजें जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कोल्ड कॉलिंग करते वक्त। नंबर वन, वी शुड हैव अ क्वालिफाइड लीड। दोस्तों, हम रैंडम कोई डेटा खरीद कर उसके ऊपर कॉलिंग करते हैं, द रिजल्ट बिकम्स वेरी वेरी मिनिमल। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा कन्वर्जन और अच्छा रिजल्ट आए, तो इसके लिए हमें चाहिए क्वालिफाइड लीड्स। इफ वी हैव जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया हो, ऐसे लोगों का अगर हमें लिस्ट मिल जाए तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अब वो लिस्ट कैसे पाया जाए? दोस्तों, ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल जो मैं प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं, उसके अंदर हम पुल थियरी यूज करते हैं। इंश्योरेंस इज ऑलवेज टॉट एज पुश थियरी, बट पुल थियरी को किस तरीके से यूज करना है, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल आप सीख सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर हम आज फेसबुक पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमने पॉलिसी बाजार की एड देखी होगी। हम अमेजोन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एड देखकर उसको क्लिक करते हैं। वहां पर हम डेटा लिखते हैं, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो उसको लीड मैग्नेट कहते हैं। अगर हमारे पास किसी का इंटरेस्ट दिखाई दे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर अपने पास में आ जाता है, दैट मींस द क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट हैज अप्रोच्ड यू। और फिर अगर हम उसको कॉल करते हैं स्टेटिंग कि आपने हमारी एड के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, इसके लिए मैंने कॉलिंग किया, द रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, द कन्वर्जन रिजल्ट्स विल बी हायर। दिस इज नंबर वन, गेटिंग क्वालिफाइड लीड्स, नॉट रैंडम कॉलिंग बट क्वालिफाइड लीड्स। नंबर टू, कॉल ऑन अप्रोप्रिएट टाइमिंग। हम जिस वक्त फ्री हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उस टाइम पे फ्री हो। अप्रोक्सीमेट हम एक ऐसा टाइम डिसाइड कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। अगर ये टाइमिंग के ऊपर जनरली देखा गया है, लोगों का रिस्पॉन्स बेटर है। नाउ व्हाट, व्हाई दिस इज सो? मॉर्निंग में सुबह सबसे पहले आदमी अपना खुद का जो भी पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद 11:30 बजे हाथ में चाय का कप लेता है। उस टाइम पे अगर कॉल है तो सामने वाला सोचता है चलो एक बार बात भी कर लेते हैं। दैट इज व्हाई चूज एन अप्रोप्रिएट टाइमिंग टू गिव अ कॉल। नंबर थ्री, हैव अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। अक्सर मैं देखता हूं लोग कॉल पिकअप करते हैं और शुरू हो जाते हैं, नमस्ते सर, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं। जैसे ही आप कोई कंपनी का नाम बोलते हैं वो फोन रख देता है या बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। द रीजन इज सामने वाले को समझ में आ गया है, प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया है कि ये कहीं ना कहीं टेलीकॉलिंग है। अगर दोस्तों हम बिजनेसमैन है, वी आर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, हम कौन से प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं जो क्लाइंट का हो। हमारा काम है अपॉइंटमेंट लेना, पर जब तक क्लाइंट को अपना फायदा इसमें नहीं नजर आता तब तक वो आपके कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करता। एंड दैट इज द यूनिवर्सल फैक्ट। हमें भी अगर कोई सामने वाला कॉल करता है और अगर हमारे इंटरेस्ट की बात करता है तो हम तुरंत का तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ दैट इज व्हाई यू शुड हैव अ परफेक्ट स्क्रिप्ट। हैव अ एम, आप उस कॉल से क्या रिजल्ट पाना चाहते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट बेचना चाहते हो तो आप अपना कॉन्वर्सेशन अपॉइंटमेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। अगर आप वहां पे प्रोडक्ट समझाने के लिए चालू कर दोगे तो दोस्तों यहां पर अपना पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो डाइल्यूट हो गया। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट है तो कॉन्वर्सेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टिल अपॉइंटमेंट। अगर अपना ऑब्जेक्टिव सेल है, देन डेफिनेटली हम प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी बारे में डिटेल करेंगे और क्लोजिंग करने की बात करेंगे। तो सेट योर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट। नाउ हाउ डू वी गेट अ स्क्रिप्ट? अगर मैंने क्लाइंट को कोई ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फोकस किया हुआ है, तो मैं इस कंपनी से बात करता हूं ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली शुरू कर सकता हूं, सर आई वांटेड टू डिस्कस विद यू अ फैंटास्टिक लग्जरियस रिटायरमेंट लाइफ प्लानिंग इन 7 मिनट्स। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, अगर 7 मिनट बोलता हूं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसने 10 मिनट क्यों नहीं कहा, 15 मिनट क्यों नहीं कहा, 7 मिनट क्यों कहा। दैट मीन्स देर इज अ कैलकुलेटिव थिंग। क्लाइंट जानबूझ के पूछता है,
भाई क्या है मुझे पहले फोन पे समझाओ। सर मैं जानबूझ के आपको ये टिप दे रहा हूं, नेवर गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन द फोन कॉल। टेल टू क्लाइंट, सर आई वुड लव टू एक्चुअली एक्सप्रेस द एंटायर इंफॉर्मेशन, बट सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं पर्सनली आपके आके ही आपके साथ में डिस्कस कर सकता हूं, इफ यू आर विलिंग टू गो एंड मीट द क्लाइंट। आजकल जैसे माहौल है, हम ऑनलाइन के ऊपर भी कैनवासिंग कर सकते हैं। वी कैन फिक्स अ जूम मीटिंग। ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल अपने प्रोग्राम के अंदर आई टीच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अबाउट दिस, कि जहां पर आप अपने क्लाइंट को ऑनलाइन के ऊपर अपॉइंटमेंट फिक्स करके वहां पर उनके साथ में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम, दिस सेव्स लॉट ऑफ मनी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रूबरू होते हो। वी आर गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक फ्यूचर, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन स्ट्रेटजीज। इसके लिए ऑनलाइन स्ट्रेटजी सीखना बहुत जरूरी है। हैव अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, उसके बाद हैव एन अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर एक बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया हुआ है और उसके बारे में अगर हम लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो चांसेस ऑफ अपॉइंटमेंट मटेरियलाइजिंग ऑल्सो बिकम्स हायर। तो पॉइंट नंबर 4 इज हैव अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट, एंड पॉइंट नंबर 5 हैव अ फैंटास्टिक एटीट्यूड एंड रैपो। इसका मतलब क्या है, जब हम कहीं किसी ने अपने को कॉल किया, उसकी बातों से समझ में आ जाता है कि आइदर ही इज हैप्पी और ही इज सैड, ही इज एक्साइटेड और ही इज जस्ट नर्वस। ये सब हमें पता चल जाता है बिकॉज योर ऑडियो इज अप्रोप्रिएटली रिलेटेड विथ योर मूड। अगर आप ढीली ढीली वहां पर बात करेंगे, अक्सर मैंने देखा है लोग शुरुआत करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज सो एंड सो। रैदर मैं अगर वहां पर कॉलिंग करने के लिए बैठता था, और अभी भी जब मौका लगता है तो बैठता हूं, तब मैं डिस्कशन करता हूं, हेलो सर, एम आई स्पीकिंग विथ मिस्टर अमित? अमित जी कैसे हैं आप? सामने वाला सोचता है भाई मुझे मेरा खबर पूछने वाला कौन व्यक्ति है। और अगर हमने यहां पर उसको सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दी कि मैं प्रोडक्ट के लिए डिस्कशन कर रहा हूं, वो आदमी अपना दिमाग बंद कर देता है। कॉलिंग करते वक्त एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, दैट इज टेक द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इन टू अ कंफर्ट पोजिशन, एंड आफ्टर दैट प्रपोज इम वॉट एवर यू विश टू प्रपोज। जस्ट गिव, सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मैंने आपको पहचाना नहीं। यस सर, मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ में बात कर रहा हूं, इसके लिए आपने मुझे पहचाना नहीं। आपका नंबर मुझे यहां यहां से मिला है, या फिर आपने मेरी एक पोस्ट के ऊपर इंक्वायरी की थी, इसके बारे में मुझे आपके साथ में डिस्कशन करना है, क्या ये डिस्कस करने का सही समय है? अगर मैं सामने वाले का कंसेंट लेता हूं तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने आप को भी वहां पर एक फ्रीडम दे रहे हैं और सामने वाले को भी एक फ्रीडम का महसूस होता है। एंड आफ्टर दैट वी कैन डेफिनेटली आस्क अबाउट अ टाइम, परमिशन, सीक एन एंटायर सीक्वेंस। दोस्तों, टेलीकॉलिंग इज एन आर्ट। अक्सर अगर हम ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, सो नेचुरल मार्केट से हट के बाहर की दुनिया में हमें जाना पड़ेगा। पर लोग बोल रहे हैं बाहर की दुनिया में जाओ। पहले तो हम स्टॉल्स लगाते थे, वहां पर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अब ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। यू हैव नाउ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी इज यूजिंग एंड गेटिंग प्रोफाउंड। आप देख रहे हैं लोग मोबाइल के ऊपर एप्स देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल में मेल्स चेक कर रहे हैं। मोबाइल में आप देखेंगे तो हर जगह पे नीचे से छोटी सी एक एड वहां पे घूमते रहती है। दैट मींस वी नीड टू हैव आर एक्सपोजर टू ऑल दीस प्लेसेस जहां पे अपने प्रोस्पेक्ट अवेलेबल है। एंड द गुड न्यूज इज एवरी मंथ आई हैव एटलीस्ट 3 बैचेस ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल्स मॉडल। अभी भी मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो लिंक के अंदर क्लिक करके यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इट्स वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम्स जो थियरी एंड प्रैक्टिकल ये दोनों का समन्वय है। अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस के बारे में सीरियस हैं, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। डू नॉट मिस, रजिस्टर इट राइट नाउ टूडे इटसेल्फ। एंड कोल्ड कॉलिंग के लिए एंटिसिपेट विथ नो द नंबर ऑफ पीपल दैट यू आर गोइंग टू कॉल and what is the results that you want to achieve. If you follow these two things, you will definitely have success in the cold call. Most important, if you like the video, please share to your friends and also go for subscription. Thank you so much. Bye-bye.